आज की टॉपिक है फेज डायग्राम। आज हम फेज डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। फेज डायग्राम ऑफ वाटर H2O। वाटर, दिस लाइन शोज प्रेशर एंड दिस लाइन शोज टेम्परेचर। ये जो है इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जो ये कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व को हम कहते हैं सब्लिमेशन कर्व। और जो ये कर्व है इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन कर्व। इसको हम नेम दे देते हैं। अगर ये पॉइंट ए है, ये ओ पॉइंट, ये बी पॉइंट और दिस इज सी पॉइंट, तो ए ओ कर्व जो है वो हमारा क्या है, सब्लिमेशन कर्व। और ओ बी कर्व जो है वो क्या हुए, ओ बी कर्व को हम क्या कहेंगे, ओ बी कर्व को हम कहेंगे वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन कर्व। और ओ सी जो लाइन है उसको हम कहेंगे, इस ओ सी कर्व को हम क्या कहेंगे, ओ सी कर्व हो गया हमारा फ्यूजन कर्व। इसको हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं, मेल्टिंग। अगर ये जो रीजन है, ये हमारा क्या होता सॉलिड है और ये रीजन जो है लिक्विड, और दिस रीजन इज कॉल्ड गैस। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं। फर्स्ट पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ फेज। किसी भी फेज को स्टेट ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम को कैसे पता चले कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड गैस है जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं, सॉलिड है जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं, तो वो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, गिव्स लॉ, गिव्स फेज लॉ, ये लॉ है जो कि पी प्लस एफ इज इक्वल टू प्लस सी। यहाँ पे पी जो है वो फेज को शो करता है, एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करता है, और जो सी ए वो शो करता है कंपोनेंट को। अगर वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में है,
सॉलिड में है तो उसका फेस क्या होगा, 1 प्लस एफ, 2 प्लस सी। सी जो है कंपोनेंट क्या है, वाटर है, एक ही है वाटर, तो एफ इज इक्वल ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 1, ये 1 कैंसिल हो गया, तो फ्रीडम ऑफ डिग्री। अगर कोई भी इस डायग्राम में, फेस डायग्राम में अगर सॉलिड को किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2। इसका मतलब कि हमें 2 वेरिएबल चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए और प्रेशर भी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो सॉलिड में कहीं किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का होना लाजमी है। अब टेम्परेचर और प्रेशर का मालूम होना लाजमी हो गया यहाँ पे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो अगर सिस्टम सॉलिड है और लिक्विड है और ओनली गैसेस है, अगर एक ही फेज होगा तो उसके लिए हमें 2 वेरिएबल लाजमी चाहिए उनको डिफाइन करने के लिए, आइदर इट इज़ सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो इसका मतलब अगर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है वो किसको शो कर रहा है इन डायग्राम में, एरिया को, ये बात याद रखें। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका 2 होगा वो डायग्राम में एरिया को शो करेगा, ये शायद ये एरिया, ये हो गई, ये एरिया सॉलिड की, ये एरिया गैस की, ये एरिया लिक्विड की। इस एरिया को अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा तो ये एरिया को शो करेगा। अब अगर सॉलिड और लिक्विड हैं, लिक्विड और सॉलिड जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, 2 फेज हैं, अगर 2 फेज हैं तो गिब्स फैसला क्या हो जाएगा, वो है पी प्लस एफ इज इक्वल 2 प्लस सी, फेज 2 हो गया, प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल 2 प्लस सी। सी क्या है, कंपोनेंट 1, एफ इज इक्वल 2 में कैंसिल, तो फ्रीडम हो गया 1। अब अगर 2 फेजेस हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। अगर सपोज़ करें हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे के उसका वैल्यू क्या आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल हो जाएगा, और मिल्ट किस पे होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का, तो वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हमें हमने टेम्परेचर बताया मेल्टिंग पॉइंट का, तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या है, 1, मतलब एक ही हम वेरिएबल बताएंगे, प्रेशर बताएं चाहे टेम्परेचर बताएं। तो बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, तो इसके लिए हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। अब अगर फेज़ जो है, तीनों फेज हैं, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है, तो क्या करेंगे, 3 फेजेस प्लस एफ इज इक्वल 2 प्लस सी, सी इज इक्वल 1, एफ इज इक्वल 3, 3 में कैंसिल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। अगर तीनों फेज होंगे, फॉर थ्री फेज, अगर तीनों फेज होंगे तो हमें क्या, अगर तीनों फेज होंगे तो क्या चाहिए, तो हमें कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए, उसके वैल्यू कांस्टेंट होंगे जो कि हमें याद करने पड़ेंगे। चलो अब हम डायग्राम पे आते हैं। ये जो है वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट पॉइंट एट विच 3 स्टेट्स, 3 फेजेस ऑफ वाटर एग्जिस्ट, जहाँ पे तीनों स्टेट हुए, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैस भी हो। तो इसके वैल्यू हमें टेम्परेचर याद करना पड़ेगा और इसका प्रेशर भी हमें याद करना पड़ेगा। सपोज़ करें कि ये टेम्परेचर 180 है, सपोज़ करें कि ये 180 प्रेशर है, ये लाइन जो है 180 प्रेशर को शो करती है, और ये जो है ये करती है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड को, जो कि ट्रिपल पॉइंट किस टेम्परेचर
टेम्परेचर पे अकर होता है, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे अकर होता है। और प्रेशर कितने पे होता है, प्रेशर पे होता है 4.58 mm ऑफ Hg। और यहाँ पे जो है ये 760 mm ऑफ Hg स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और ये पास्कल में कितना होगा, 101.3 किलो पास्कल। तो अगर ये प्रेशर हम पास्कल में करेंगे तो कितना होगा, इसको हम पास्कल में करेंगे तो ये होगा 611.2 पास्कल। और अगर इसी को एटीएम में करेंगे, एटीएम में करेंगे तो क्या होगा, 0.00602 एटीएम। तो हमें ये प्रेशर याद करना पड़ेगा और टेम्परेचर याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई भी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट ही होती है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और अब हम प्रोसेस के ओर चलते हैं। अगर कोई भी सपोज करें सॉलिड है, वो लिक्विड में जाता है, सॉलिड टू लिक्विड, उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे लाजमी है। और अगर प्रोसेस उल्टा हो जाए, लिक्विड टू सॉलिड हो जाए, तो लिक्विड टू सॉलिड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। ये सॉलिड टू लिक्विड आ जाए और लिक्विड टू सॉलिड आ जाए तो इसको हम कहेंगे सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड उसको फ्रीजिंग कहेंगे। अब लिक्विड अगर वेपर में चला जाए, अगर लिक्विड टू वेपर जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड टू वेपर होगा तो उसको क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। अगर वेपर जो है टू लिक्विड आ जाएंगे, अगर वेपर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। अब अगर सॉलिड गैस में डायरेक्ट चला जाता है, सॉलिड लिक्विड के बजाय डायरेक्ट गैस में चला जाए, तो उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस और वेपर भी कह सकते हैं डायरेक्ट, तो उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। और गैस जो है वो डायरेक्ट लिक्विड सॉलिड में चली जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस थे, कुछ एमसीक्यूज भी इसमें आ सकते हैं। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होते हैं। अगर सपोज करें हम ये टेम्परेचर 100 लेते हैं, सपोज करें 100 लेते हैं, जहाँ पे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ये जो है बॉइलिंग पॉइंट वो किस पे होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जिसके बाद लिक्विड जो है वो डायरेक्ट वेपर में चला जाए, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं हो, मतलब कोई भी टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर सपोज करें 30 डिग्री है, तो पहले वो किस पे आएगा, पहले वो 100 पे आएगा। 100 पे वो क्या करेगा, बबल्स फॉर्म करेगा। बबल फॉर्म करने के बाद क्या करेगा, वो बबल फॉर्म करने के बाद उसमें क्या होगा, वो वेपर्स जो हैं वो 100 पे होंगे, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो सैचुरेटेड हो जाएंगे, सैचुरेटेड हो गए फिर वो सुपर हीटेड हो जाएंगे, फिर वो वेपर्स में चले जाएंगे, मुकम्मल वेपर्स में चले जाएंगे। तो ये जो सारी स्टेट्स हैं ये नहीं होंगी, उसमें लिक्विड जो है डायरेक्टली वेपर में चला जाए, उस पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट उसको कहते हैं, पॉइंट एट विच लिक्विड डायरेक्टली गोज इनटू द वेपर्स, आर कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। अच्छा,
क्रिटिकल टेम्परेचर जो है और प्रेशर, ये भी क्योंकि ये भी पॉइंट है। अच्छा, ये चीज़ जो हमने पढ़ी थी फ्रीडम, जिसका भी फ्रीडम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा तो वो ग्राफ में लाइन से शो होगा। किससे? लाइन से, क्योंकि दो फेज हैं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा तो ये लाइन से शो होगा, इसके भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा ये भी लाइन से शो होगा, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस ग्राफ का 1 होगा तो ये भी लाइन से शो होगा, और जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा तो वो ग्राफ में किससे? पॉइंट से शो होंगे, पॉइंट से। तो ग्राफ में कितनी पॉइंट है? पॉइंट दो हैं, एक ट्रिपल पॉइंट की और दूसरी क्रिटिकल पॉइंट की। तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 0। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो उसकी मतलब कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो याद करने पड़ते हैं। तो इसके कांस्टेंट वैल्यू हैं, इसके कांस्टेंट वैल्यू, ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ये तीन सौ चौहत्तर डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 374 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो प्रेशर होता है ये भी कांस्टेंट है, ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी। ये इसका प्रेशर होता है 218 atm, ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी लाजमी। अच्छा, और चीज़ अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हम इसका प्रेशर जो है 180 atm है, इस अगर कोई भी हम लिक्विड ले लेते हैं, सपोज़ करें जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका प्रेशर भी 25 पे, वो किस में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, रूम टेम्परेचर पे। वाटर किस में होगा? लिक्विड में होगा। अगर प्रेशर 180 atm है तो अगर उसका प्रेशर हम डिक्रीज़ करेंगे, अगर उसका प्रेशर इस जो ग्राफ से, इस ग्राफ पे ये हो गई 25 टेम्परेचर, ये लाइन हो गई 25 टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर प्रेशर इतना डिक्रीज़ करेंगे, अगर इस लाइन से नीचे आ गया तो क्या होगा? वो वेपर फॉर्म में हो जाएगा, मतलब बॉयल हो जाएगा। इस पे आ गया तो ये हो गया बॉयलिंग पॉइंट, उसकी आ गई। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वाटर जो है बॉयल हो सकता है, उसके अगर कोई भी टेम्परेचर हमारा लो है तो अगर उसका प्रेशर हम इतना डिक्रीज़ करेंगे कि वो वेपोराइज हो जाए, उस वो बॉयल हो जाए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर को डिक्रीज़ करके उसको बॉयल कर सकते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से जो बॉयल होता है, अब ये हम अगली वीडियो में इस वेपर प्रेशर में वीडियो बना रहा हूँ, वेपर प्रेशर पे जो कि बना लिया है वो आप देख लें, उसमें ये चीज़ें, ये जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा उसके लिए, फेज डायग्राम, तो ये चीज़ें वहाँ पे काम आती हैं। अगर टेम्परेचर कम है, उसका प्रेशर हम डिक्रीज़ करेंगे तो वो क्या होगा? उसमें प्रेशर कम है तो उसमें क्या होगा? बॉयल होगा, तो जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में होगा। अब ऐसे ही अगर सक्शन करते हैं हम, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? बहुत कम होता है, तो जो शक होता है वाटर वो क्या होता है? वो बबल्स फॉर्म, उसमें बबल्स भी फॉर्म होते हैं, जो बबल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं उसको, वो जो है कैविटेशन को पैदा करते हैं। तो कैविटेशन मतलब आगे जो भी प्रॉपर्टीज़, काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो अगर फेज डायग्राम हमें समझ में आ गया तो वो प्रॉपर्टीज़ आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देंगी समझने में, इंशाल्लाह वो आसान हो जाएंगी।